दोस्तों जो आपको फीचर्स 2000 रुपये के नेकबैंड में मिलते हैं, यहाँ पर बोट ने मात्र 1300 रुपये प्रोवाइड कर दिए हैं, और साथ में ये Z प्लस सिक्योरिटी के साथ भी आते हैं। और इसका आज कॉलिंग टेस्ट दोस्तों हम लोग पापा की स्कूटी में ड्राइविंग टेस्ट करते हुए करेंगे, तो आइए फटाफट कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप 1300 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दिए इस वीडियो में। ठीक है, मैं यहाँ पे स्कूटी स्टार्ट कर दिया हूँ, थोड़ा मैं ड्राइव करूंगा। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर दोस्तों बोट ने अपने फेवरेट नंबर 255 के एक और नए नेकबैंड लॉन्च कर दिए हैं, दैट इज बोट रॉकर्स 255 जेड प्लस नेकबैंड, जिसका प्राइस है 1300 रुपये के आसपास, जो कि जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ आते हैं। लेकिन इसके सही में बताऊं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से फीचर्स काफी आपको बढ़िया बढ़िया मिलने वाले हैं। डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, साथ ही में आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिलने वाली है, लो लेटेंसी आपको गेमिंग मोड दिया हुआ है। फीचर्स से तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया हुआ है, लेकिन आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं, सारी हम एक ही तरीके से बढ़िया तरीके से टेस्टिंग करेंगे, ताकि अगर आप 1500 रुपये के अंदर एक नेकबैंड कंसीडर करने का सोच रहे हैं, वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डेफिनेटली डिसाइड कर लेंगे दोस्तों कि ये कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको बोट रॉकर्स 255 जेड प्लस नेकबैंड का ऐसे बिल्कुल यहाँ पे आपको बढ़िया सा वैसे बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं, सब डिटेलिंग में आगे चेक करेंगे। इसको हम करेंगे क्विकली अनबॉक्स, तो आपको ऐसी पैकेजिंग मिलने वाली है, सारी चीजें बढ़िया तरीके से पैक की गई है वैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक QR कोड दिया गया है, आप यहाँ से स्कैन करके वारंटी क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही में एप्लीकेशन का QR कोड भी दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिलने वाली है, इसको सारी की सारी डिटेलिंग मिलने वाली प्रोडक्ट के बारे में, वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में। एक आई एम अबोर्ड का स्टिकर मिलेगा, एक एडिकेट लेंथ की टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर नेक बैंड, एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी मिल जाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से, इनको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहाँ मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे दोस्तों, दिस इज द नेकबैंड यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर आपको ऐसा लुक एंड फील का नेकबैंड मिल जाएगा, और यहाँ पर जो नेकबैंड में सिलिकॉन मटेरियल यूज किया हुआ है, काफी यहाँ पे आपको सही क्वालिटी का आप बोल सकते हैं सिलिकॉन मटेरियल मिल जाएगा। इसको आप ऐसे आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपली आपको बोर्ड की ब्रांडिंग मिलने वाली, और ऐसे कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है, और जो प्लास्टिक क्वालिटी आपको डिसेंट मिलने वाली, बहुत ज्यादा प्रीमियम भी नहीं बोल सकते, डिसेंट यहाँ पे प्लास्टिक मिल जाएगी। और इस साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शनल बटन्स मिलने वाले हैं, एक बैटरी इंडिकेटर लाइट के साथ, साथ ही में आपको एक प्रॉपर कवरिंग के साथ टाइप सी का पोर्ट मिलेगा चार्जिंग पर्पस के लिए, और बिल्ट इन आपको यहाँ पे माइक्रोफोन मिलने वाला है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के आप बोल सकते हैं, थोड़ी मोटी क्वालिटी के यहाँ आपको नेकबैंड की वायर्स मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बड्स, यहाँ पे आपको ऐसे प्लास्टिक को मेटेलिक डिजाइन के आपको बड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको सही लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं बड्स, लेफ्ट राइट भी क्लियरली मेंशन है दोनों ही बड्स में। और साथ में यहाँ पे आपको मिलने वाला है मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, ये भी एक प्लस पॉइंट है, काफी आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। और इसका जो मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर है सही तरीके से वर्क करता है, सिंपली आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, मैग्नेट्स को अलग कर देंगे तो देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लास्ट पे डिवाइस से कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा, मैग्नेट्स को जोड़ देंगे, प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। इसके मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी है, अगर आपको दो डिवाइस से कनेक्ट करना है एक टाइम पे वो भी आप कर सकते हैं। और इसकी फिटिंग की बात करेंगे दोस्तों, ये ना मुझे काफी लाइट वेट नेकबैंड लगे, आपको ऐसे लगने नहीं वाला है कुछ नेक पे आपने कुछ पहन के रखा हुआ है, इसको आप डेफिनेटली लॉन्ग ओवर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे फिटिंग भी काफी बढ़िया मिलने वाली, और आप बोल सकते हैं नेकबैंड लगाते से ही 80 से 85% बाहर की नॉइज भी कैंसिल हो रही है, अच्छा पैसिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर प्रोवाइड करते हैं ये। और यहाँ पर अगर आप इसको पहन के चाहते हैं रनिंग करना, जॉगिंग करना, जिम पर्पस से यूटिलाइज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, कानों से वैसे ही नहीं गिरेंगे, सिक्योर आपको फिट मिल जाएगा इसके थ्रू। एक नजर डालेंगे इसके फीचर्स पार्ट को लेकर, सबसे पहले तो इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, AI ENX टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, बीस्ट मोड गेमिंग मोड मिल जाएगा, बोट हेयरेबल्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। अप्रॉक्सिमेटली आपको 40 से 50 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, 10 मिनट यहाँ पे आप नेकबैंड को चार्ज करते हैं नियरली आपको 10 घंटे तक प्ले टाइम भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेकबैंड पार्ट के थ्रू। फीचर्स से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, भर भर के आपको फीचर्स मिलने वाले, उसको लेकर मैं पटेली काफी इंप्रेस हुआ। और अगर हम इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको मिलने वाला है बोट हेयरबड्स एप्लीकेशन का सपोर्ट, जिससे आप कनेक्ट करके बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर सकते हैं नेकबैंड की, साथ ही में जो स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स चाहिए तो। साथ ही में आप यहाँ पे टच में जाएंगे तो जो बीच वाला मल्टीफंक्शन बटन है उसको सिंगल प्रेस करने से और डबल प्रेस करने से एक्जैक्टली क्या हो, अगर आपको कस्टमाइज करना है बीच वाला बटन मेनली सिंगल और डबल प्रेस करने से क्या हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और सिस्टम में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी मतलब जो डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, इसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ई टिप्स के साइज के यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल दी गई है, टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, यूजर मैनुअल डाउनलोड करनी है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही में कोई दिक्कत आती है डायग्नोस कर सकते हैं बैटरी को लेकर, या कोई इशू आता है आपको कनेक्टिविटी पार्ट को लेकर, तो यहाँ से आप डायग्नोस भी कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। तो बेसिक आपको कस्टमाइजेशन दी गई है एप्लीकेशन में, बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट नहीं है एप्लीकेशन में, जो बटन कंट्रोल है उसके थ्रू भी आप सब कर पाएंगे जो एप्लीकेशन में दिया हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से और एनहेंसमेंट देनी चाहिए थी मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स को लेकर, अलग अलग मोड्स को लेकर, वो आपको मिसिंग मिलने वाली है। बेसिक आपको कस्टमाइजेशन मिलने वाली एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। और अगर हम इसके बटन कंट्रोल्स की बात करेंगे वैसे, तो उनका हिसाब किताब ऐसा है, जो बीच वाला बटन है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा,
प्लस को सिंगल प्रेस करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी। प्लस को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ये नेक्स्ट चेक पे लेके जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ये प्रीवियस चेक पे लेके जाएगा। बीच वाले बटन को यहाँ पे अगर आप ट्रिपल प्रेस करते हैं जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड से यूटिलाइज कर सकते हैं। बीच वाले बटन को यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, कानों में प्रॉम्प्ट सुनाई देगा बीच मोड करके। फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे बीच वाले बटन को, गेमिंग मोड से एग्जिट करके म्यूजिक मोड में आ जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है कॉल एक्सेप्ट करने के लिए बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल प्रेस करेंगे बीच वाले बटन को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए बीच वाले बटन को डबल प्रेस करेंगे तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और जो ये ऊपर से अलग से बटन दिया हुआ है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो स्पेशल ऑडियो मोड में ऑन कर देगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे तो बोर्ड के सिग्नेचर मोड में स्विच कर जाएगा। सिंगल प्रेस करने से यहां पे आप स्पेशल ऑडियो सिग्नेचर मोड में स्विच कर सकते हैं। और जो बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं मेरे को थोड़े से ना हार्ड लगे, जो प्लेसमेंट है वो मेरे को ठीक लगा लेकिन कभी कभी लग रहा था प्रेस करने में थोड़े बहुत हार्ड लग रहे हैं, तो यहां पे आपको डिसेंट बटन कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। एंड अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसे गेमिंग एक्सपीरियंस की, जो बीस मोड दिया हुआ है 65 मिलीसेकंड लो लेटेंसी क्लेम की है, कितना जस्टिफाई करती है देखिए बीजीएमआई गेम टेस्ट के थ्रू। यहाँ पर इसका मैंने SBC कोडेक ऑन करके हमेशा जरा मैं BGMI खेला था दोस्तों, और जो यहाँ पे 65 मिलीसेकंड लेटेंसी है बिल्कुल जस्टिफाई करती है, मुझे थोड़ी कमी लग रही थी आप बोल सकते हैं 55 से 60 मिलीसेकंड आपको लेटेंसी मिलने वाली है। इन ऑडियो एक्सपीरियंस काफी आपको लाउड और क्लियर मिलने वाला है, एनिमीज यहाँ से आ रही पता कर पाएंगे, इसको वैसे आप अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं SBC AAC कोडेक के सपोर्ट के साथ, स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स के साथ। इसके साउंड लीकेज की बात करेंगे सबसे पहले फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं, फैन के नीचे बैठे हुए हैं साउंड लीकेज बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल शांति में भी बैठे हुए हैं 80% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे, 80% तक साउंड लीकेज नहीं होता है। 80% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे हल्का हल्का साउंड लीकेज होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, ये एक प्लस पॉइंट है। इसके आउटपुट की बात करेंगे, इसके सिग्नेचर मोड की बात करेंगे, स्पेशल ऑडियो की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले सिग्नेचर मोड की बात करेंगे तो लाउडनेस काफी आपको बढ़िया मिलने वाली, फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के, अच्छे आपको वोकल्स मिलने वाले हैं, ट्रेबल्स आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं। डिटेलिंग पार्ट से यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया सिग्नेचर मोड में। और जो बेस इफेक्ट्स है, बेस इफेक्ट्स मुझे पर्सनली मैं यहां पे डिसेंट लगे, मतलब एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं जैसे आपको Realme Wireless 3 में बेस इफेक्ट्स मिलते हैं, OnePlus Z2 ANC में बेस इफेक्ट्स मिलते हैं। यहां पे आप बोल सकते हैं आपको डिसेंट बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, लगेगा हां प्रॉपर पंचनेस आ रही है लेकिन एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है। मेरे हिसाब से हल्की सी कहीं ना कहीं बेटरमेंट होनी चाहिए बेस पार्ट को लेकर, अच्छे आपको डिसेंट बैलेंस बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। और इसके स्पेशल ऑडियो इफेक्ट्स की बात करेंगे वो काफी सही तरीके से वर्क करता है, जैसे आप ऑन करेंगे आपको लगेगा हां बिल्कुल ऐसा सराउंडिंग एक्सपीरियंस आ रहा है, थोड़ा खुला खुला आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है आउटपुट को लेके, वो सही तरीके से वैसे वर्क करता है। अगर आपको थोड़ा साउंडिंग इफेक्ट्स चाहिए उसको ऑन करके आप स्विच करके स्पेशल ऑडियो इफेक्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। बात करेंगे इसे कॉलिंग की, इसमें आपको AI ENX टेक्नोलॉजी दी गई है कॉलिंग पर्पस के लिए, लेकिन कितना बढ़िया तरीके से वर्क करती है आप देखिए हमारा ड्राइविंग के टाइम पे HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम इसके थ्रू। हेलो हां दीक्षा जी क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं बैठी हुई हूं। बैठे हुए हैं तो एक कॉलिंग टेस्ट करते हैं यहां पे फटाफट। हां हां अभी ना बोट रॉकर्स 255Z+ नेकबैंड लॉन्च हुए थे तो हाँ। मैंने परचेज किए हुए हैं तो उन तक कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा रोड साइड कंडीशन में हूँ, साइड में रोड है काफी गाड़ियाँ जा रही हैं और मैं रोड के साइड में स्कूटी पे बैठा हुआ हूँ, स्कूटी चल नहीं रही है अभी। ठीक हाँ। है तो ऐसे कंडीशन के हिसाब से मेरी आवाज़ आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो समझ में आ रही है, गाड़ियों की आवाज़ तो मुझे अभी आ नहीं रही है और लाउडनेस नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे गाड़ियों की आवाज़, और ये जो लाउडनेस है वॉइस की वो भी एडिकेट है। तो अभी ऐसे नॉर्मल कंडीशन इस कंडीशन के हिसाब से वैसे ट्रैफिक कंडीशन साइड में है क्योंकि मेरी आवाज पे परसेंटेज फोकस हो सकते हो आप 80% से थोड़ा सा अबव। ठीक है मैं आप स्कूटी स्टार्ट कर दिया हूं, थोड़ा मैं ड्राइव करूंगा। हां मैं ऑन बजा रहा हूं, थोड़ा ड्राइव कर रहा हूं एंड यहां पर मैं ब्रेक पुश कर रहा हूं यहाँ पर, तो तुम्हें अब तुम्हें कंपैरेटिवली मेरी आवाज़ ऐसे कैसे आ रही है थोड़ा ड्राइविंग के टाइम पे बोल सकती हो? आवाज़ अभी भी समझ में आ रही है, ड्राइविंग के टाइम पे ऐसे कोई आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं लग रही है, हॉर्न की आवाज़ समझ में आ रही है लेकिन तुम्हारी आवाज़ भी अच्छे से समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ऐसे ड्राइविंग के टाइम पे मेरी आवाज़ का कितना परसेंटेज फोकस बोल सकते हो आप अभी फिलहाल? अभी भी नियरली मैं 80% के आसपास ही बोलूँगी। विंड नॉइज को लेकर कोई दिक्कत आ रही है आपको? हवा काफी तेज चल रही है? नहीं नहीं विंड नॉइज नहीं आ रही है, ना ही मुझे बहुत ज्यादा मतलब हल्की फुल्की आ रही है, बहुत ही कम मतलब जो कि नेग्लिजिबल है। ठीक है थैंक यू ओके हाँ बाय।
इसकी दोस्तों यहाँ पे आपको नॉर्मल कंडीशन में, इंटर कंडीशन में काफी सही मिलने वाली है, आउटर कंडीशन में आप बोल सकते हैं अच्छी मिलेगी, बहुत ज्यादा परफेक्ट भी नहीं है, लेकिन सामने वाला फिर भी आपको फोकस 80% तक सुन पाएगा। वैसे आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए अंदाजा लग गया होगा इसकी कॉलिंग आपको कैसे मिलने वाली है ट्रैफिक कंडीशन में और ड्राइविंग के टाइम पे। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8 आउट ऑफ 10, इसे कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 8 आउट ऑफ 10, गेमिंग एक्सपीरियंस दूंगा मैं 9 आउट ऑफ 10। दीस आर द रेटिंग्स ऑन टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड अप्रॉक्सिमेटली 1300 के आसपास है, और 1300 के हिसाब से काफी जस्टिफाई करता है। मेनली इसमें जो मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं सही तरीके से वर्क करते हैं, स्पेशल ऑडियो इफेक्ट सही तरीके से वर्क करते हैं, बैलेंस आपको म्यूजिक और बेस का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कॉलिंग आपको अच्छी मिल जाएगी, गेमिंग भी आपको इंप्रेसिव मिलने वाली है। बाकी डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलेगा, एप्लीकेशन सपोर्ट यहाँ पे नाम के बराबर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ऐप सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको सारी सारी टेस्टिंग दिखा दी प्रोज एंड कॉन्स के साथ, ये एक अच्छा पैकेज है, बहुत ज्यादा परफेक्ट भी नहीं लेकिन अच्छा पैकेज है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च बोट रॉकर्स 255 जेड प्लस नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।